हेलो बच्चे लोग आप लोग सब कैसे हो सब बढ़िया सब मौज तो भैया हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे याद है ना बाय बाय तो क्या बोलते हो क्लास शुरू करें चलिए दोस्तों अपने लोग आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग क्या कर रहे थे के अंदर मैंने आपको क्या-क्या बनाया क्यों गया तो मैंने बोला था टू तो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ आउटसाइडर जो भी अपने जो फिनेंसर होते हैं आउटसाइडर है डिवेंचर होल्डर है लोन होल्डर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया उसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या अगर आप बाईबैक करने वाले तो सबसे पहले कंडीशन नंबर वन आपको न्यू इशू करना पड़ेगा पर न्यू इशू जो वो शेयर ऑफ अदर क्लास होना चाहिए यानी इक्विटी बाईबैक हो रहा है तो आप प्रेफरेंसर इशू कर सकते हो कितना जितने फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बाईबैक करोगे उतने ही फेस वैल्यू का न्यू इशू होना चाहिए और दूसरा कंडीशन मैंने बताया था जितने फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बाई बैक होगा उतने का सीआरआर बनाना पड़ेगा सिर्फ सीआरआर किससे बनेगा फ्रीजअर नॉर्मली फ्रीज में क्या होता है जीआर और पीएल होता है मैंने बोला था बस इस चैप्टर के, के लिए एक, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन टू इज पॉसिबल मतलब अगर आपने एक लाख रुपए का इक्विटी शेयर बाई किया है तो थोड़ा सा न्यू इश्यू और थोड़ा सा सीआर बनाने से भी चलेगा आपको याद है ये पॉइंट इसके बाद मैंने आपको इसका जर्नल एंट्री करवाया था मैंने जर्नल एंट्री जब कराया था मान लो शेयर अगर प्रीमियम में बाईबैक होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट

फिर मैंने आपको बोनस के बारे में बताया था बोनस में दो पॉइंट बताया था एक बोनस शेयर होता है एक होता है बोनस बोनस है? बोनस कॉल शेयर किसको बोलते हैं अदर द कंपनी टू तो इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विदाउट टेकिंग एनी विदाउटेशन बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व बोनस किससे दिया जा सकता है बोनस किससे दिया जा सकता है बोनस किससे दिया जा सकता है वेरी गुड बोनस हम लोग दे सकते हैं नंबर वन ऑप्शन है सीआरआर अगर आपके पास कोई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है तो सबसे पहले वो यूज करेंगे दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटीज प्रीमियम

वे ऑफ कैपिटलाइजिंग रिजर्व उसको बोलते हैं बोनस कॉल इसमें तीन एंट्री करते हैं नंबर वन बोनस कॉल के लिए पैसा कहां से लाते हैं फ्री रिजर्व से तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल फिर ड्यू एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल और उसके बाद तुम्हारा ये जो क्या नाम है बोनस कॉल है उसको इक्विटी शेयर कॉल से एडजस्ट करेंगे बोनस कॉल टू इक्विटी शेयर कॉल करके तीन एंट्री होगा इसके बाद मैंने राइट शेयर बताया था राइट शेयर गिवन बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस इसका एंट्री क्या नॉर्मल इशू एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी पहला कंडीशन न्यू इशू होगा मजा का बात है यहाँ न्यू इशू में आप इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी इशू कर सकते हो जितने फेस वैल्यू का प्रेफरेंशियर रिडीम करोगे उतने ही फेस वैल्यू का न्यू इशू करना पड़ेगा और दूसरा अगर आप न्यू इश्यू नहीं करना चाहते तो आप सीआरआर बना सकते हो फ्री रिजर्व से

आइए आप बुक में हमारे ये क्लास वर्क सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर टू दिखेगा क्वेश्चन नंबर टू में आ जाओ मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो बच्चे लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर टू पहले एक बार आप खुद से रीड कर पॉज कर लो मेरे को यहां पर ठीक है ना मैं धीरे धीरे स्क्रीन ऐसे करता हूं आप पॉज कर करके कर पढ़ लो और उसके बाद आगे देखो पॉज किया अब थोड़ा और आगे करके आदम पढ़ लो हो गया भैया चलो देखो क्या बोल रहा है बोल रहा तो है कुबेर लिमिटेड तो यू फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन दिखा रहा ऑथराइज कैपिटल हंड्रेड करोड़ का है। तो से मेरे को कोई लेना है नहीं है इट इज द मैक्सिमम कैपिटल उससे क्या करना मुझे अब इशू में बोल रखा है कि 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज पेड

कैपिटल रिडीम कर रहा है प्रीमियम तो मैं तो बोल रहा हूं प्रेफरेंसेंट प्रीमियम पांच परसेंट एक्स्ट्रा देगा मैं क्या बोलता हूँ क्लास वर्क सेक्शन का आपका मैं बोल रहा हूं आप समझने का प्रयास करें मैं यहां पर आपके लिए पहले लिख रहा हूं अमाउंट रिक्वायर्ड और एक आएगा सोर्स लिखा अमाउंट रिक्वायर्ड सोर्स अब यह लिख लिया अब मैं कैसे लिख रहा हूं देखो फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अपने पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का था पहले ये देखो सेवेंटी फाइव करोड़ मैं बोल रहा हूं मुझे सेवेंटी फाइव करोड़ फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है ठीक है ना और ये रिडीम होगा प्रीमियम में तो मैं लिखा फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोल रहे सेवेंटी फाइव करोड़ में फाइव परसेंट प्रीमियम मुझे पे करना पड़ जाएगा तो जरा कैलकुलेटर निकाल ले दो सेवेंटी फाइव करोड़ इंटू फाइव परसेंट मतलब थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब यहां पर देखो पढ़ के आगे कोई न्यू इश्यू बोला है क्या क्योंकि मुझे लीगल कंप्लाइंस करना पड़ेगा सेवेंटी फाइव करोड़ जितने फेस वैल्यू का ऑप्शन दबॉ मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस एज अ पार्ट ऑफ करेंट असेट जर्ल इंटर करना ना, कोई न्यू इशू नहीं बोला है। तो इसका मतलब मुझे पूरे फेस वैल्यू प्रेफरेंशियल रिडीम जो प्रेफरेंशियल रिडीम कराऊ

मेरा बात समझ में आ रहा है और पोर ऑफ साइट ऑफ करना है प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर इसके लिए भी फ्री रिजर्व और भी कोई ऑप्शन तो बचा नहीं अपने को क्या लेना पड़ेगा रेवेन्यू रिजर्व लेना पड़ेगा थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ बोलो इतना दूर आप लिख पाए ठीक है सर आप एक काम करो चार पांच लाइन का जगह छोड़ दो अमाउंट रिक्वायर्ड सोर्स में और भी मुझे कुछ लिखना है आप चार पांच लाइन का जगह छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप चार पांच लाइन का जगह छोड़ सकते हैं मेरा बात समझा छोड़ दिया भैया चार पांच लाइन का जगह अब जर्नल एंट्री करते हैं पहले रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंस खत्म करते हैं फिर मैं आगे बाई बैक उसका बात करूंगा एक दो तीन चार पांच मैं छोड़ दिया मैं लिखना चालू किया बुक्स ऑफ कुबेर लिमिटेड मुझे करने बोला गया जर्नल एंट्री सर कहां बोला है जर्नल करना है अरे तुम पढ़ा था ना सब लास्ट लाइन में यू आर आस्ट टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड तो एक एक करके हम लोग काम करते हैं भैया पहला एंट्री ड्यू एंट्री होता है तो उसके लिए एंट्री होगा ट्वेल्व परसेंट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट अच्छा अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं आप चाहो तो यूज कर लो किंतु तो एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं आपको पूरा लिखना पड़ेगा टू पेमेंट किसको करना है प्रेफरेंस तो टो बिना नरेशन के मार्क्स नहीं मिलेगा भरोसा नहीं होता एग्जाम में ट्राई करके देख लेना जब नहीं मिलेगा समझ में आ जाएगा बी उूट अमाउंट मेड ड्यू ऑन रिडेम्शन बिंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन रिडेम्शन इसके बाद न्यू इशू अगर कुछ करवाया तो एंट्री कर लो नहीं भैया पूरे समय न्यू इशू नहीं है सियारा बनाना है हाँ पूरे सेवेंटी फाइव करोड़ का हाँ कहां से रेवेन्यू रिजर्व से तो एंट्री क्या बनेगा रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी आर आर सेवेंटी फाइव करोड़ का बिंग सी आर आर क्रिएटेड 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 हो गया बिंग सी आर आर क्रिएटेड फिर क्या करेंगे बिंग सी आर आर क्रिएटेड के बाद बोलना फिर हाँ पोरऑप्स राइट ऑफ करेंगे वो भी रेवेन्यू रिजर्व से राइट ऑफ करना है रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रोप्स थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ का प्रोप्स राइट ऑफ होगा नरेशन लिख लो बिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिटर्न ऑफ और फिर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करें कितना करना है सेवेंटी एट पॉइंट सेवन फाइव में पेमेंट करके दिखा देता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेवेंटी एट पॉइंट सेवन फाइव बिंग ड्यू अमाउंट पेड तो रिडेम्शन का जो कहानी देखो मैंने पिछले क्लास में सिखाया था उसका यूज आ गया देखो आएगा ही मैं ऐसे तो ही ना कर रहा हूं भरोसा नहीं तो देख लेना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सब सब मिल जाएगा इस टाइप का मिलेगा सर मिलेगा इसलिए करा रहे हैं ना हम्म अच्छा जी फिर क्या बोला है आगे इट आल्सो ऑल्सो बैक फिफ्टी लाख इक्विटी शेयर फिफ्टी लाख इक्विटी शेयर बाई बैक कर रहा है ऑफ टेन इंच कर रहा है एट फिफ्टी परसेंट अच्छा दस रुपया का शेयर अगर पचास रुपया बाई बैक प्राइस तो बोलू मैं चालीस रुपया प्रीमियम बाईबैक है बोलता है द पेमेंट फॉर द दबर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस एज अ पार्ट ऑफ करेंट अथे मतलब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है तुम खोज रहा बैंक बैलेंस कहा है बोला इसके अंदर बहुत बैंक बैलेंस है जितना चाहिए निकाल मैं बोला ठीक है मुझे क्या दिक्कत है बाई बैक करना है तो बाईब का पहला स्टोरी थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं मैं बोल रहा हूं फॉर बाईब हमारे पास फिफ्टी लाख शेयर है एक एक का फेस वैल्यू दस मतलब भैया ये हंड्रेड लाख है ना 500 लाख मतलब कितना करोड़ हम फिगर इन करोड़ लिख रहे हैं ध्यान रखना ये रुपइज इन करोड्स है हम करोड़ों में खेल रहे हैं बच्चे हम बायबैक 5 करोड़ का और इसके बाद एक और बात कर लेते हैं फॉर पॉप प्रीमियम ऑन बायबैक 50 लाख शेयर है 40 रुपया प्रीमियम है मतलब 20 करोड़ रुपया हो जाएगा अब लाख से करोड़ तो कन्वर्ट करना आता ही होगा ठीक है ना लाख से करोड़ में कन्वर्ट करना है भैया हंड्रेड लाख इक्वल्स टू वन करोड़ कन्वर्ट कर लो समझ गया अच्छा अब इसके लिए लीगल कंप्लाइंस करना है ना बाई के लिए तो फाइव करोड़ फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बाईबैक हुआ है तो फाइव करोड़ का या तो न्यू इशू कराओ सब में कोई न्यू इशू है ही नहीं तो क्या बनाना पड़ेगा सीआरआर सीआरआर के लिए क्या ले सकते हैं फ्रीज और बाईबैक में सबसे पहले क्या लेना चाहिए सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम है क्या हा है थर्टी करोड़ है मुझे तो फाइव करोड़ चाहिए तो मैं फाइव करोड़ यहां ले लूंगा यहां पर भी पहला ऑप्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम है थर्टी करोड़ में से फाइव करोड़ निकल गया तो ट्वेंटी अभी भी है पर मुझे 25 करोड़ नहीं मुझे राइट right ऑफ करने के लिए सिर्फ ट्वेंटी करोड़ चाहिए तो ट्वेंटी करोड़ में निकाल लूंगा प्लानिंग डन मतलब बायबैक का सारा कानी प्रीमियम से ही हो जाएगा प्रीमियम से और कुछ छूने का जरूरत ही नहीं है तो भैया एंट्रीज तो पहले ड्यू एंट्री करते हैं बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन बाईब अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल फाइव करोगा था प्रीमियम ऑन बायबैक ट्वेंटी तो टोटल तो कितना हो गया एकदम आसान है आसान है आ, आसान तो है न, उसके बाद बिंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन बाईब बिंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन बाईब ठीक है भैया फिर फिर कोई न्यू इश्यू है तो एंट्री कर लो भैया समय तो न्यूज़ है ही नहीं तो पूरा पांच करोड़ का क्या बना रहे हो सी आर आर कहां से बना रहे हो एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सी आर आर पांच करोड़ बिंग सी आर आर क्रिएटेड सर मेरे मन में एक डाउट आ रहा है हमको पता है क्या डाउट है आपको पता है हो ही नहीं सकता बताता हूं ना मैं तुम्हारा डाउट भैया डाउट ये आ रहा है यहां पर भी एक सीआरआर बनाए हैं रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर यहां पर भी एक सीआरआर बनाए एसपी टू सीआरआर क्या ये दोनों एंट्री को मैं कंबाइन कर लू हिंड राइट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो कर सकते हैं अभी आप एमेर खिलाड़ी है ना तो इसीलिए इतना दिमाग नहीं लगा आगे जाके आप कर सकते हो रेवेन्यू रिजर्व डेबिट सेवेंटी फाइव करोड़ एसपी डेबिट फाइव करोड़ टू सी आर आर एटी करोड़ एक ही बात है अच्छा अब पॉब राइट ऑफ होगा ये भी सिक्योरिटीज प्रीमियम से तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाई बैक ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी करोड़ निकाल कर बिंग प्रीमियम ऑन बाई बैक रिटर्न ऑफ बिंग प्रीमियम ऑन बाई बैक रिटर्न ऑफ और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को हम पेमेंट भी करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक और इक्विटी शेयर होल्डर को पे कितना करना था यहीं पर मिल जाएगा कितना पे करना था देख लो ट्वेंटी फाइव करोड़ तो पे कर दो ट्वेंटी फाइव करोड़ ट्वेंटी फाइव करोड़ एक करोड़ चलो नरेशन बिंग ड्यू अमाउंट पेड जो ड्यू किए थे अब वो पे कर दो. तो यहां बाईबैक का स्टोरी भी खत्म हो गया सोच के देखो मैंने यहां बाईबैक का स्टोरी भी खत्म कर दिया मैं इतना बोलू मैंने ही खत्म कर दिया सोच के देखो और कुछ बचा ही नहीं है सोच के देखो कुछ बचा ही नहीं है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर आगे 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 चलें चले चलो अब नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और मेरे को लगता है ये इस चैप्टर का बेस्ट कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूट के दिल के बहुत करीब है इंस्टीट्यूट मैं इसे पूछू पूरे चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछेगा ना सेवेंटी परसेंट चांस से क्वेश्चन पूछेगा और ये है मैक्सिमम परमिसिबल बाई बैक भैया 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 क्या आप बोले थे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से जो एमसीक्यू आने के चांसेस है वो शायद थ्योरी आप मार्किंग करवा के दोगे हमें हां बोला था आपने बोला था इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पीछे जो एमसीक्यू है वो भी हमें करवा के दोगे हाँ बोला था तो करवाओगे कब अरे फिनिश तो कर रहे थे ये सब चीज तब दिखा दूंगा ना एक्स्ट्रा थियोटिकल पॉइंट जो ध्यान रखना है हम्म मैं करवाऊंगा बच्चे थोड़ा साथ दे बेटा हरबड़ाने से कैसे होगा बता मैं हरबड़ी में कम बोल के कैसे जाऊं मुझे स्टेप बाय स्टेप सारे काम कराने बच्चे भैया ये क्या है मैक्सिमम परमिसेबल बाई अब आप सिर्फ हेडिंग लगाओ पहले मुझे समझाने दो उसके बाद मैं नोटिंग करवाऊंगा देखो मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक का कॉन्सेप्ट क्या है हमारी कंपनी के बैलेंस शीट है मान लो बैलेंस शीट अब यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या मैं सारा इक्विटी शेयर कैपिटल एक साथ बाईबैक कर सकता हूं लॉजिकली सोचो ना लॉ क्या बोलता है तेल लेने जाओ लॉ छोड़ो ना यार लॉजिकली नहीं क्यों अगर सारा इक्विटी शेयर ही खत्म हो गया मालिक ही खत्म हो गया धंधा से तो धंधा क्यों कौन चलाएगा <coughs> मेरा बात समझा तो भैया सारा इक्विटी शेयर बाईबैक नहीं कर सकता ये जो सेक्शन 68 जिसका मैं बात कर रहा था ना इसने मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक का लिमिट दे दिया है मतलब मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक मतलब आप ज्यादा से ज्यादा एक बार में कितना इक्विटी शेयर बाई कर सकते हैं इसका कहानी बता दी अच्छा भैया सुनो ना एक क्वेश्चन आ रहा मान लो आज मैं बायबैक किया फिर से मैं दो दिन बाद फिर से बायबैक कर सकता ऐसा कर सकता हूं क्या नहीं 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 आज अगर एक बायबैक किया हो तो नियम है जिस दिन बायबैक हुआ है ना उसके एक साल तक अब और कोई बायबैक नहीं कर सकते एक साल के बाद बायबैक बाई ब चलो मैं बता ही दिया अगर आप पूछ रहे हो मतलब आपने बाईबैक स्टार्ट किया बाईब खत्म हुआ ये बाई का एंड डेट है सारा काम खत्म हो गया बाई का यहां से वन ईयर का गैप रहेगा इसके बीच में आप, आप कोई बाई नहीं कर सकते हां एक साल के बाद उसके बाद फिर से आप बाई कर सकते मेरे मन में एक और डाउट आ रहा है क्लियर करो क्या मान लो आज मेरा बाईबैक एंड हो गया किसका इक्विटी शेयर का क्या मैं दो दिन बाद एक नया इक्विटी शेयर इशू कर दू तुम्हें क्या लगता है लॉ क्या बोला होगा तुम बाई बैक कर रहे इक्विटी शेयर हटाने के लिए फिर बोलता है दो दिन बाद नया इक्विटी शेयर नहीं बोलता है कि छह महीना तक कोई नया इक्विटी शेयर इशू नहीं हो सकता है छह महीना के बाद इशू कर सकते बाईबैक जो तुम्हारा खत्म होगा उसके छह महीना के बाद कर सकते अच्छा 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 मतलब दो बाईबैक के बीच में एक साल का डिफरेंस होना चाहिए अगर ये बाईबैक वन है और ये बाईबैक टू है तो इसके बीच में एक साल का होना चाहिए और यहां अगर बाईबैक हुआ है तो न्यूश छह महीना बाद ही हो सकता है ये बोल रहे हो ठीक है पर है पर में कुछ नहीं नहीं। है, अभी जो मैं मैं बता बता रहा रहा था, था उसमें मैं को आने दो वापस। आपको बता रहा था कि सारा आप जब बाईब करने जाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना बाईब कर सकते उसका कुछ कहानी बताया क्या कहानी बताया भैया बताओ तो सुनो तीन कंडीशन डाला है बोलता है तीनों में से जिसमें सबसे लीस्ट फिगर आएगा वो बाईबैक कर सकते हो सॉरी तीनों में से सबसे जो लीस्ट फिगर है वो बाईबैक कर सकते हो एक्चुअली तीन कंडीशन जो है ना ये तीन टेस्ट है एक का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप क्या डिजाइन बनाया एक का नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट ठीक है ना मैं बताता हूं तुम सब धीरे-धीरे सुनते रहो पहले एक का नाम है रिसोर्स टेस्ट और एक का नाम है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट तो बोलते हैं तीन टेस्ट करो तीनों में एक आंसर निकल के आएगा तीनों तीनों टेस्ट करने से इन तीनों में जो सबसे लीस्ट फिगर होगा ना वो है आपका मैक्सिमम परमिसेबल बाई बैक मतलब मान लो यहां दस हजार शेयर आया यहां पर मान लो बीस हजार शेयर आया और यहां नौ हजार शेयर आया तो तीनों में लिस्ट कौन सा है नौ हजार इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा नौ हजार शेयर बाई बैक कर सकते हो नौ हजार से कम बाईब कर सकते हो नौ हजार बाई बैक कर सकते हो नौ हजार से ज्यादा नहीं कर सकते हूं. अच्छा मतलब तीन कंडीशन दिया है तीनों में से भैया जो सबसे छोटा फिगर होगा वही मेरा मैक्सिमम लिमिट है मतलब उससे ज्यादा बाईबैक पॉसिबल नहीं है उतना मैक्सिमम बाईब कर सकते हो उससे कम कर सकते हो उससे ज्यादा बाईब नहीं कर सकते हाँ एकदम सही समझ में अब एक एक टेस्ट क्या बोलता है जो पहला टेस्ट है जिसका नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट ये क्या बोलता है ये बोलता है मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक कितना है इससे मैंने पूछा कितना है बता तो बोलता है आपका जो प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है ना उसका पच्चीस परसेंट मतलब सीधा सीधा बात है आपके पास आज के दिन में जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है ट्वेंटी फाइव परसेंट बाईब कर सकते हैं नंबर है, जितना नंबर ऑफ शेयर है उसका पच्चीस परसेंट आप बाईब कर सकते मेरे पास एक लाख शेयर है तो एक लाखेंट पच्चीस हजार शेयर बाईबैक कर सकते कंडीशन वन बहुत सिंपल है कंडीशन टू जो है जो रिसोर्स टेस्ट है वो क्या बोलता है रिसोर्स टेस्ट क्या बोलता है रिसोर्स टेस्ट क्या बोलता है भैया बताइए ना क्या बोलता है रिसोर्स टेस्ट रिसोर्स चेज बोलता है नंबर वन सुना मेरा ध्यान से कि मैक्सिमम परमिसेबल मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक कितना हो सकता है तो वो बोलता है आपका जो भी पेड अप कैपिटल है अप कैपिटल प्लस आपका फ्री रिजर्व कर लो मैं बोला हाँ बोला इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट से आप बायबैक कर सकते हम बोले अप कैपिटल मान लो मेरा लाख रुपए फ्री रिजर्व मान लो दस लाख रुपए तो पंद्रह लाख रुपया होगा ना नहीं समझा पांच लाख रुपए आइए दस लाख रुपए है तो ये पंद्रह लाख रुपया पच्चीस परसेंट करोगे तो वैल्यू में आंसर आएगा ना तो, तो नंबर ऑफ शेयर कितना बाईब कर सकते हैं नहीं नहीं इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है समझो इतना रुपया आप यूज कर सकते हैं बाईबैक में आपका पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का ट्वेंटी फाइव परसेंट आप यूज कर सकते हैं बाई बैक तो हमको नंबर कैसे पता चलेगा दिमाग लगाओ मैं बोलता मान लो मेरा एक, -एक शेयर का फेस दस जब मैं इन को पैसा दूंगा, दूंगा। तो वैल्यू निकालता हूं जा। तो थोड़ा समझ में आएगा पंद्रह लाख का पच्चीस परसेंट मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड यूज कर सकता हूं बाईब में देने के लिए कैश कैश एक जन को कितने रुपए कैश दोगे दस की पचास रुपया दस रुपया है तो कितने लोगों को दे पाओगे तो डिवाइड बाई पचास रुपया करोगे ना थ्री सेवन डिवाइड बाई पचास की है तुमको पता चल जाएगा साढ़े सात हजार शेयर बाई बैक हो सकता है तो सीधा सीधा बात है अब मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देता हूं मैं बोलता हूं पेड अप कैपिटल लो प्लस फ्री रिजर्व लो उसका पच्चीस परसेंट आप यूटिलाइज कर सकते हो बाईब के लिए तो नंबर ऑफ शेयर निकालना है डिवाइड बाई फिफ्टी फिफ्टी क्या था ये बाई बैक प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा हर बड़ी नहीं धीरे धीरे बच्चे अगर कोई पॉइंट नहीं भी समझ में तो घबराना मत मैं एक पॉइंट कई बार बोलूंगा और अगर कई बार क्या होता है बोलने पर समझ में नहीं आता किंतु जब सम सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा तो पहले सुनो क्योंकि मैं तीन चार बार बात करूंगा मैं दो तीन बार बोलूंगा एक बार लिखाऊंगा फिर एक सम लेके उसको फिर बताऊंगा तो अभी कहानी है सुनो थोड़ा सा तो भैया आप कंडीशन टू में रिसोर्स टेस्ट में बोल रहे हैं आप कि कितना रिसोर्स यूज कर सकते हैं तो आंसर आपका जो भी पेड अप कैपिटल है पेड अप कैपिटल प्लस क्या लोगे फ्री रिजर्व इसका पच्चीस परसेंट और डिवाइड बाय क्या करना प्राइस पर शेयर तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे लोग तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर झमिला होता है और वो है बच्चे अपना डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट अब ये डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या बोलता है बोलता है कि पोस्ट बाईबैक मतलब बाईबैक होने के बाद डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस मतलब बाई बैक होने के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो ना दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए देखो बात समझो कौन सा रेशियो बोल रहा है डेट और इक्विटी का रेशियो बोलता है दो से ज्यादा नहीं हो सकता है दो मैक्सिमम लिमिट करती है तो भैया ये कंडीशन को फिर कैसे अप्लाई करेंगे तो एक एक चीज पहले समझो डेट का मतलब क्या है तो डेट के अंदर सिक्योर्ड लोन भी आएगा अनसिक्योर्ड लोन भी आएगा फिर से बोल रहा हूं डेट के अंदर सिक्योर्ड लोन भी आएगा अनसिक्योर्ड लोन भी आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी आएगा फिर से बोल रहा हूं सिक्योर्ड भी आएगा अनसिक्योर्ड भी आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी आएंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी आएंगे लोन डिवेंचर सब आएंगे डेट 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 हा और दूसरा है इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो इक्विटी अब ये जो इक्विटी है मुन्ना इक्विटी का मतलब जानते हो क्या है शेयर होल्डर फंड एकदम कुछ नहीं मैं अभी बताता हूं इक्विटी का मतलब है इसके अंदर आएगा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ये मिला के होता है इक्विटी तो बोलता है पोस्ट बाईबैक बाईबैक होने के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो दो होना चाहिए तो इसको कैसे यूज करके मैं पता करूंगा मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक कितना होगा तो थोड़ा इतमान रखो तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं देखो ना पॉइंट नंबर वन अगर ये लोग बोलता है डेट इक्विटी रेशियो दो रखना है तो इक्विटी कितना मेंटेन करना है तो मैं बोलू डेप्ट डिवाइडेड बाय टू तो ये हो गया इक्विटी टू बी मेंटेन ये जो निकला ना ये जो निकला निकाला क्या है इक्विटी का मतलब ये, इक्विटी टू बी मेंटे मैंने बाइबैक होने के बाद आपको इतना इक्विटी रखना पड़ेगा समझ में आ रहा है यहां तक ठीक है क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो टू रखना है उस हिसाब से इक्विटी कितना रखना है डेट का आधा अब क्या करो तुम पता करो कि तुम्हारा प्रेजेंट इक्विटी है कितना मतलब बाईबैक होने के पहले तुम्हारे बैलेंस शीट में कितना इक्विटी है मैंने बताया कैसे पता करोगे अभी बताया था फिर से बोल रहा हूं पेड अप कैपिटल ले लेना ले और सारा फ्री रिजर्व जोड़ लेना अच्छा फ्री रिजर्व है बाई चैप्टर है बाई बाईबैक के अंदर एसपी जी फ्रीजर में तीन चीज आएगा ठीक है ले लिया भैया अब तुम मैक्सिम बाईबैक कितना कर सकते हो लॉजिकली समझना तो बोल रहे हैं कि पहले पता करो कि तुम्हारा प्रेजेंट इक्विटी कितना है तुम्हारा प्रेजेंट इक्विटी, इक्विटी कितना है पता कर लो हम बोला पता कर लिया मान लो ये जो तुम्हारा प्रेजेंट इक्विटी है मान लो पचास लाख रुपए मान लेते मानने में क्या दिक्कत है अब इक्विटी टू बी मेंटेन तुमने पता किया दस लाख रुपए तो बोलते यहां से हटा दो कि इक्विटी टू बी मेंटेन्ड कितना है टू बी मेंटेन्ड मैं बोल रहा हूं कि पचास लाख अभी है कि तो दस लाख रुपए रखना है तो पचास में से दस रखना है तो कितना इक्विटी का पैसा निकाल सकते हैं घर से चालीस लाख रुपया तो सुनो ना कुछ और भी पैसा रखना पड़ेगा क्या भैया क्या अगर आप बाईबैक कर रहे हो और मान लो कोई न्यू इश्यू नहीं हुआ आपके यहां सीआरआर भी तो बनाना पड़ेगा ना तो सीआरआर के लिए पैसा रखना पड़ेगा सब भैया कितना रखें तो भैया सीआरआर कितना बनाते पता है ना फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉटबैक भैया वही तो निकाल रहे हैं कितना शेयर बाई करेंगे वही नहीं पता मैं बोलता हूं लेट द नंबर ऑफ शेयर ऑफ शेयर बाई करेंगे। और एक -एक का फेस दस है तो मैं बोलू मुझे सीआरआर के लिए टेन एक्स रुपीज रखना है निकाल के रखना पड़ेगा तो पचास लाख में से जो इक्विटी मेंटेन करना है दस लाख उसका निकाल के रख लो और सीआरआर बनाना है उसका पैसा निकाल के रख लो तो जो बच जाएगा इतना रुपया यूज कर सकते हो बाईबैक में जो बच गया मान लो सियारा बनाने के लिए यहां पर दस लाख और चाहिए जो भी है अगर तुमको पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना तुमको समझ में आ गया भैया इतना रुपया जो बचेगा इतना रुपया तुम यूज करोगे बाईब में को तो रुपया नहीं चाहिए हमको तो नंबर चाहिए तो नंबर चाहिए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको बाईबैक प्राइस पर शेयर से और ये जो नंबर है दिस इज इक्वल्स टू एक्स बात समझो

अब इसमें से हटा दो इक्विटी टू बी मेंटेन जो रखना है तो जो रखना है वो यूज नहीं कर सकते तो वो हटा दिया पहले और आपको सीआरआर के लिए रखना है सीआरआर कितने का बनेगा फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एक एक शेयर का फेस वैल्यू मान लो दस रुपया है और एक शेयर हम लोग बाईबैक करने वाले हैं तो टेनएक्स चाहिए सीआरआर के लिए तो टेन एक्स हटा के रख दो तो ये दोनों अगर हटा देंगे प्रेजेंट इक्विटी में से तो बाकी जो बचा वो निकाल सकते हैं प्रेजेंट इक्विटी में से अब मतलब इतना रुपया मैं बाईबैक में यूज कर सकता हूं बस नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो इसको बाई बैक प्राइस पर शेयर से डिवाइड करो काम हो जाएगा अब ये x सॉल्व करके पता कर लो पता चल जाएगा मैक्सिम परमिट सेल कितना है अब तीनों कंडीशन में पता चल गया कि कितना ज्यादा बाई बैक हो सकता है तीनों में से जो लिस्ट है वही बाईबैक होगा मैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पूरा तो नहीं आया कोई बात नहीं पूरा भी आएगा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मैं एक बार इसका नोटिंग करवाना चाहता हूँ ये जो आप लोग यहां लिख रखे हो ना हेडिंग तो लगाया है ना ऐसे कॉन्सेप्ट नंबर थ्री मैक्सिमम परमिसेबल बाई बैक हेडिंग लगा लिया ठीक है अब इसमें नोटिंग चालू करो ये तो करके मैं समझा दिया अब प्रॉपर नोटिंग करो लिखो एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन सिक्सटी एट मैक्सिमम permissible buyback will be least of the following maximum permissible buyback will be least of the following will be least of the following हाँ भैया बोली तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हम मैक्सिम परमिसेबल बाई बैक विल बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर वन क्या क्या होगा कंडीशन वन कंडीशन नंबर वन जिसका नाम था शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट शेयर outstanding test share outstanding test हाँ भैया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बताइए तो भैया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बताइए तो भैया क्या था भैया यहां पर मैक्सिमम परमिशिबल बाईबैक कितना कर सकते हैं तो आंसर है प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आज आपका जितना भी इक्विटी शेयर है या प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ऐसे ही बोल सकते हैं उसको प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ठीक है ना इन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट तो आज जितना भी नंबर ऑफ शेयर है उसका पच्चीस परसेंट ठीक है ना दूसरा कंडीशन नंबर टू यह अपना रिसोर्स टेस्ट ये अपना है मुन्ना रिसोर्स टेस्ट तो रिसोर्स टेस्ट का अगर मैं बात करूं रिसोर्स टेस्ट का तो इसमें मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक कितना है तो हमने बोला मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक है आपका जो अप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व ये जो अमाउंट है इसका 25 परसेंट आप यूज कर सकते हैं बाईबैक करने के लिए तो ऐसे तो वैल्यू आएगा सिर्फ मुझे वैल्यू थोड़ी ना चाहिए था मुझे अमाउंट चाहिए तो अमाउंट निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे डिवाइड करना पड़ेगा दैट इज बाई बैक प्राइस पर शेयर बाई बैक पर शेयर तो ऐसे मुझे पता चलेगा एमपी बीबी समझ गया ना भैया एमपी की बीबी है क्या क्या फालतू बात कर रहा तुम मैक्सिमम परमिसेबल बाई बैक कुछ भी बोलता है अच्छा नेक्स्ट कंडीशन नंबर थ्री कंडीशन नंबर थ्री जो है उसका नाम है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट डेट इक्विटी रेशियो क्या टेस्ट क्या बोलता है ये बोलता है कि पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस ट्वाइस समझता है दो दो बोलता है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए बाई बैक होने के बाद तो भैया इसका एप्लीकेशन कैसे करोगे ठीक है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट मतलब ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि आपका डेट बाय जो इक्विटी है ये दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहां पर निकल के आता है कि नोट नंबर वन कि डेट में क्या आता है तो मैं बोल रहा हूं डेट इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लॉन्ग टर्म बोरिंग समझता है ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मतलब वो बोरिंग्स जो 12 महीना से ज्यादा पीरियड के लिए और वो बोरिंग जो 12 महीना से कम पीरियड के लिए वो क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ठीक है ना Debt includes both long-term and short-term borrowings. Note two. Debt includes both secured and unsecured borrowings. मतलब जो borrowings है वो long-term nature का भी हो सकता है, short-term का भी, कोई भी होगा आप ले लो। और दूसरा बात आपका जो जो बोरिंग लेंगे वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब लेंगे अपने और नोट नंबर थ्री इक्विटी कैसे निकालते हैं तो इक्विटी वर्ड कैसे होता है इसका मतलब है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिसर्व और मैं बार बार नहीं बोल रहा हूं कि भैया बायबैक कर रहा हूं बायबैक में फ्रीज में तीन चीज आएगा एसपी जी जीआरपीएल नॉर्मली फ्रीज में जीआरपीएल ही होता है रेवेन्यू रिजर्व वगैरह रहते हैं किंतु अपने लोग एसपी भी लेंगे बायबैक में स्पेशल है स्पेशल पॉइंट बोला है कंपनी एक्ट हम्म भैया ठीक है सब ज्ञान दे रहे हो ठीक है इसको अप्लाई कैसे करना है वो तो लिखवा दो हम्म वो तो लिखवाना आपको तो इसमें लिखेंगे ऐसे लेट नंबर ऑफ to टू बी back बी एक्स मान लो हम एक्स नंबर ऑफ शेयर बाई बैक करेंगे मान लो हम एक्स नंबर ऑफ शेयर बाई बैक करेंगे मान लो हम एक्स नंबर ऑफ शेयर बाईबैक करेंगे ठीक है ना तो कैसे कैसे करवाए थे याद है So, x इज इक्वल्स टू कितना होगा तो पहले सबसे पहले क्या पता करना है प्रेजेंट इक्विटी पता कर लो कि आपका कितना है और माइनस इक्विटी टू बी मेंटेन्ड इक्विटी टू बी मेंटेन्ड और माइनस टेन एक्स टेन एक्स समझ गया सीआरआर के लिए ये वो सीआरआर का पैसा रखे सीआरआर बनाने के लिए और इसको फिर डिवाइड करेंगे बाईबैक प्राइस पर शेयर बाईबैक प्राइस पर शेयर, ये क्वेश्चन बन गया नो सॉल्व फॉर एक्स नो सोल्व फॉर एक्स मैं एक बात समझना था बस वो इक्विटी टू बी मेंटेन कैसे आएगा तो वो भी लिखवा देता हूं आपको अगर आपका डेट बाई इक्विटी एलोक टू बोल रहा है तो स्टेप नंबर टू में मैं ऐसे लिख सकता हूं सो इक्विटी इक्वल्स टू डेट बाई टू ये जो निकला दिस इज इक्विटी टू बी मेरा कितना लिख रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा अबा हो जा रहा है अरे रुकना कई बार ऐसा होता है कि जब मैं समझाऊंगा तो हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आएगा किंतु क्या होता है जब एक सम लेंगे ना इसमें जब न्यूमेरिकल आएगा ना फिगर्स आएगा ना तो अपने आप बातें पूरा क्लियर होना चालू हो जाएगा मैं वादा करता हूं सर आपको मैं समझा के ही छोड़ूंगा हाँ इसको बॉक्स में रख लेना नहीं इसको नहीं मैंने थोड़ा सा गरबा कर दिया लाइन यहां से नहीं आना चाहिए कहां गया यार ये ये नहीं? हो रहा है मेरा लाइन यहां से होना चाहिए ये रहा। लो मैंने पूरा डिजाइन बना के दे दिया लो 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 भैया हम सच बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा हमको एक सम करके समझा हाँ मैं तो करा रहा हूं लिखना हो गया क्या हाँ भैया लिखना तो पहले ही हो गया था हमारा अच्छा ठीक है मैं ये ऊपर क्या लिखे थे एरो ये सीआर आर कैपिटल रिडेमशन रिजर्व बनाने के लिए रखते हैं टेन एक्स ठीक है, है भैया एक सम दिखाओ ठीक है बुक में आते मैंने सम तो रखा है आ गया मैं क्वेश्चन नंबर थ्री में मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे वीडियो कर रहे हैं एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ें तो बेटर होगा मेरे को यहां पॉज करो पहले इतना दूर पढ़ लो फिर अनपॉज करो फिर मैं आगे अप कर देता पॉज देखो अनपॉज करके देखा देखो मैं ऊपर ले आया स्क्रीन को ये भी पढ़ लो पॉज करो पढ़ लो मैं आगे पढ़ता हूं आपके लिए सम क्या बोल रहा मैं पढ़ता हूं बोल रहा है पेड़ोच लिमिटेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनी तो कोई कैपिटल स्ट्रक्चर दे रहा है कंपनी का भाई साहब इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है दस रुपए का फिगर इन करोड़ है थ्री थर्टी करोड़ रुपीज का मतलब थ्री थर्टी करोड़ है एक शेयर टेन का मतलब थर्टी थ्री करोड़ का शेयर है मेरे पास नंबर ऑफ शेयर इक्विडिशन रिजर्व में जनरल रिजर्व है सिक्योरिटीज प्रीमियम है पीएल है ये सारा बायबैक का फ्री रिजर्व का लिस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ना ना ये फ्री रिजर्व का लिस्ट में सर ने नहीं दिखाया तो नहीं है नहीं है भाई ये फ्री रिजर्व का लिस्ट में क्या जबरदस्ती करना पड़ेगा क्या मैं दो फिगर लिखा है 186 है. अरे नहीं ये सारा रिजर्व टोटल करके बाहर लिखाइए दो फिगर नहीं है पागल ठीक है ना

क्या करेगा तो इनका कंपनी डिसाइड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया है कि मैक्सिम परमिसेबल बाईब और जितना मैक्सिम है उतना बाईब क्योंकि पैसे की कमी नहीं है पैसा बहुत है इनके पास सरप्लस पड़ा हुआ है बोलता है द प्रीवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर आज पच्चीस रुपए में रहा है मतलब कोई भी पच्चीस रुपए में शेयर खरीद सकता है या पच्चीस रुपए में शेयर बेच सकता है इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर फॉर बाई बॉज डिसाइडेड टू ऑफर अ असेंटी परसेंट एव मार्केट मार्केट में तो पच्चीस में बिक रहा है तो अगर हम अपने को बोले कि 25 दो 25 लो कि उन लोग को थोड़ा उनके मन में लालच लाने के लिए, लिए बाईब के लिए अपना शेयर दे हमें तो हम उनको बीस परसेंट एक्स्ट्रा ऑफर करने वाले तो कैलकुलेटर है ना ऐसे उठाओ और उसमें लिखो ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी परसेंट ये थर्टी रुपीज आ रहा है मतलब बोलना चाह रहा है बाई बैक प्राइस थर्टी रुपीज है मतलब आगे में पूछू बाई बैक प्राइस पर शेयर कितना है थर्टी रुपीज दिमाग लगाओ दस रुपया फेस वैल्यू का शेयर थर्टी रुपीज बाई बैक है तो ट्वेंटी रुपीज प्रीमियम ऑन बाई बैक है पर शेयर पर शेयर मैं पर शेयर बोल रहा हूं मुन्ना पर शेयर पर शेयर पर शेयर अच्छा You are also informed that infrastructure development reserve is created to satisfy income tax requirement. मतलब लॉ के बोलने पे बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट है ना तो ये एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो ठीक है स्टैट्यूटरी रिजर्व कोई भी रिजर्व हो फ्री रिजर्व तो नहीं है तो ये तो हम बाईब के लिए यूज नहीं कर सकते छोड़ दो इस रिजर्व को छोड़ दो छोड़ दो भाई इसकी तरफ आगे देखना भी मत आक उठा के काम का ही नहीं है अच्छा बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ एब इंफॉर्मेशन बोले सबसे पहले तो ऊपर जो डेटा है ना उसके पता करो बायबैक परमिशेबल कितना एंड ऑल्सो अंडर सिचुएशन वेर लोन फंड ऑफ द कंपनी वेर आई दर ट्वेल्व हंड्रेड करोड़ और फिफ्टीन हंड्रेड बोला ऊपर में लोन अट्ठारह सो करोड़ है बोले ये भी पता करो कि लोन अगर 1800 करोड़ नहीं हो के अगर 1200 करोड़ होता मेरा लोन फंड्स तो हम कितना बायबैक कर सकते हैं और अगर 1200 भी नहीं हो के 1500 करोड़ अगर मेरा लोन है तो मेरा मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक क्या होगा मतलब क्या समझ रहे हो आप मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक के लिए वो लोग तीन कंडीशन दे दिया है जब लोन 1800 करोड़ ओरिजिनल डाटा जब लोन 1200 करोड़ और जब लोन 1500 करोड़ मैंने तीन अलग अलग सिचुएशन का मैक्सिमम परमिशिबल बाई मांग रहा है हम्म अच्छा अब सोच के बता लोन चेंज होने से कौन से कंडीशन पे स्ट्रेस आएगा कौन से कंडीशन में आंसर चेंज होगा सोचो जरा दिमाग लगाओ पहले दिमाग लगाओ हर बड़ी मत करो मैं हमेशा बोलता हूं तो मैं बोल रहा था इधर देखो ये जो पहला कंडीशन है इसमें कोई लोन का इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं तो लोन का अमाउंट चेंज होने से पहले कंडीशन पर असर नहीं पड़ेगा सोचो सेकेंड कंडीशन में लोन अमाउंट का कुछ लेना देना है पेड ऑफ ना कंडीशन में भी दिक्कत नहीं आएगा लोन का असर कहां जाता है जानते हो डेट कहां है थर्ड कंडीशन में तो इसका मतलब लोन के चेंज होने से सिर्फ थर्ड कंडीशन चेंज होगा और कोई कंडीशन चेंज नहीं होगा मैं समझा पा रहा हूं आपको बात हाँ ठीक है देखते हैं आगे मांगा क्या और एक तो मैक्सिम परमिसेबल बाई बैक मांग लिया फिर बोलता सीधा -सीधा तीनों सिचुएशन का जर्नल एंट्री करके भी दिखाओ बाईबैक का तो दिखा दूंगा पहले तो मैक्सिम परमिसेबल बाईबैक होगा फिर ही ना कुछ होगा तो मैं निकालना चालू किया सर मैं लिखना चालू किया आपके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें लिखा पहला पार्ट कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक अब इसमें क्या करेंगे ना तीन अलग 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 सिचुएशन दिए है समझ रहे मेरा बात तो मैं तीन कॉलम साइड बाय साइड अलग अलग कौन बनाएगा मैं तीन कॉलम बना रहा हूं साइड बाय साइड तीन अलग अलग केसेस के लिए तीन कॉलम तीन अलग अलग केसेस के लिए तीन कॉलम पहला केस था जब इनका लोन 1800 करोड़ हो दूसरा बोला था अगर लोन 1200 करोड़ हो तीसरा बोला था लोन अगर 1500 करोड़ हो ये तीन था और मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट दूसरा करना पड़ेगा आपको रिसोर्स टेस्ट और तीसरा करना पड़ेगा आपको डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट अब तीनों का फिगर उठा के यहां लिख देंगे हम लोग और तीनों में से जो लिस्ट होगा वही मैक्सिमम परमिसेबल बाई बैक है तो पॉइंट नंबर डी मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम परमिसेबल बाई बैक करने कितना देगा लॉक कितना अलाउ कर रहा है तो मैं ब्रैकेट में लिखा लिस्ट ऑफ पॉइंट नंबर ए बी एंड सी तो मुझे पहले ऐसा चार्ट बनाओ ना 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 जल्दी जल्दी बनाओ जरूरत पड़े पॉज करो जल्दी, जल्दी बनाओ सर जल्दी, बना, जल्दी, बना, जल्दी बना ओ जल्दी बना जल्दी बना ओ जल्दी बना बनाया जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ ठीक है सर चलो जल्दी बनाते पॉइंट नंबर वन शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कोई भी कंडीशन हो क्या शेयर आउटस्टैंड लोन चेंज होने से शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट पे प्रॉब्लम होगा नहीं तो मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट वन में चेक कर रहा हूं जिसका नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक कितना है वो है प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रेजेंट नंबर ऑफ जो भी इक्विटी शेयर उसका पच्चीस परसेंट तो प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास है थर्टी थ्री करोड़ शेयर लाख नहीं करोड़ है थ्री थर्टी है एक शेयर दस क्या मतलब थर्टी थ्री करोड़ शेयर तो मैं बोल रहा हूं थर्टी थ्री करोड़ शेयर का पच्चीस परसेंट तो मेरा थर्टी थ्री करोड़ शेयर का पच्चीस परसेंट पॉइंट टू फाइव तो सकते टू फाइव करोड़ शेयर शेयर बैक कर सकते हैं एज पर कंडीशन वन और मैं यहां के लिख रहा हूं आपका लोन अगर एटीन हंड्रेड है तो एट पॉइंट टू फाइव करोड़ शेयर बाई बैक हो सकता है लोन बारह सौ है तो भी आप एट पॉइंट टू फाइव करोड़ शेयर बाई बैक कर सकते हो पंद्रह सौ है तो भी आप 8.25 करोड़ बाई कर सकते हो एज पर कंडीशन वन शेयर आउट इंटरेस्ट क्योंकि लोन के चेंज होने से नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं हो रहा परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा है तो वो तो तीनों कंडीशन में सेम ही रहेगा मैं समझा पाया हम्म भैया ये वाला थोड़ा देखना है देख लो देख लो कोई दिक्कत नहीं है मैं टू में चला रिसोर्स टेस्ट रिसोर्स टेस्ट क्या बोलता है कि आपका जो मैक्सिमम परमिसेबल है, वो कितना है तो उसके लिए बोला गया था इट विल बी पेड अप कैपिटल प्लस जो भी आपका फ्री रिजर्व होगा उसका 25 परसेंट कर लीजिए और उसको डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा बाईबैक प्राइस पर शेयर बाईबैक प्राइस पर शेयर से डिवाइड कीजिए तो आपको मिल जाएगा रिसोर्स टेस्ट के हिसाब तो से कितना आप मैक्सिम बाई हैं और ये कंडीशन में भी लोन का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है तो लोन के चेंज होने से ये कंडीशन का आंसर चेंज तो होगा तो एक एक करके बात करते हैं पेड अप कैपिटल पहले सब में देखना पड़ेगा कि भैया हमारा पेड अप कैपिटल था कितना तो इधर मैं दिखाता हूं हाईलाइट करता हूं अपना पेड अप कैपिटल ये है तीन करोड़ तो मैंने लिखा इक्वल्स टू नेक्स्ट लाइन में 330 थर्टी करोड़ है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व लेना है फ्री रिजर्व में आएगा आपका ये तीनों सेक्योरिटीज प्रीमियम जीआर और पीएल तीनों आएगा ना सिक्योरिटीज प्रीमियम नाइनटी जीआर था टू फोर्टी और पीएल था नाइनटी हाँ पीएल बोल हाँ पीएल तो ये जो फिगर है ना मुन्ना ऊपर में इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट हम बाईबैक में यूज कर सकते हैं और क्योंकि मुझे निकालना है नंबर ऑफ शेयर तो बाई बैक प्राइस से डिवाइड करना है हमने डिसाइड किया था थोड़ा देर पहले सारा हाँ। तो याद रखना तो ऊपर आ रहा है थ्री थर्टी करोड़ प्लस नाइनटी करोड़ प्लस टू फोर्टी करोड़ प्लस नाइनटी करोड़ यानी ऊपर में आ रहा है डिवाइडेड बाई रुपीज थर्टी तो सेवन फिफ्टी का ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है दिस इज वन एटी सेवन पॉइंट फाइव करोड़ डिवाइडेड बाई थर्टी थर्टी से डिवाइड किया तो यह निकल गया सिक्स पॉइंट टू फाइव करोड़ यानी एज पर कंडीशन नंबर टू आप सिक्स पॉइंट फाइव करोड़ शेयर ज्यादा से ज्यादा भेवा कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कंडीशन टू तो यही समझा रहा है

आप 6.25 करोड़ शेयर से ज्यादा आप बाईब कर नहीं सकते कर नहीं सकते अब लास्ट आ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट यहां पर कहानी होगा क्योंकि तो अलग डेट अलग कहानी मैं कुछ चीजें इकट्ठा करना चाहता हूं कंडीशन नंबर थ्री जो है वो है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट अब डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का क्या हिसाब है बोलते पोस्ट बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट जो है वो दो से ज्यादा नहीं हो सकता अब लॉजिकली सोचो आपका तीन कंडीशन है जब लोन आपका 1800 करोड़ है जब लोन फंड्स आपका 1200 करोड़ है जब लोन फंड्स आपका 1500 करोड़ है ये तीन सिचुएशन में डाल के रखे मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने को नंबर वन डेट इक्विटी रेशियो कितना मेंटेन करना है ओ, ऐसे नहीं लिखते हैं तो इज्जत से लिखते डेट इक्विटी रेशियो कितना मेंटेन करना है मैं बोल रहा हूं डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट बाय इक्विटी इसको कितना मेंटेन करना है टू मेंटेन करना हमें तो हमारा मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट स्टेप पॉइंट नंबर ए है तो ये पॉइंट नंबर बी तो इक्विटी टू बी मेंटेन कितना होगा टू बी मेंटेन कितना होना चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा डेट बाई टू हो जाएगा मतलब 1800 करोड़ डिवाइडेड बाई टू 1200 करोड़ डिवाइड बाई टू 1500 करोड़ डिवाइड बाई टू यानी 900 करोड़ 600 करोड़ और ये साढ़े सात सौ करोड़ तीसरा अगर मैं पूछूं आपका प्रेजेंट प्रेजेंट इक्विटी कितना है तो मैंने समझाया था प्रेजेंट इक्विटी के लिए आपको लेना पड़ेगा अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व और अभी तो लिया था यही तो होगा अप कैपिटल थ्री थर्टी है मेरा बात समझना प्लस फ्री रिजर्व में ये तीनों आ रहा है टू फोर्टी नाइनटी नाइनटी टू फोर्टी नाइनटी नाइनटी सब ले लिया तो सब मिला के अपना प्रेजेंट इक्विटी सेवन फिफ्टी करोड़ है आज के दिन में सेवन फिफ्टी करोड़ है मेरा बात समझ में आ रहा है तो भैया मैं बात कर रहा हूं पहला वाला सिचुएशन का व्हेन लोन फंड्स आर एटीन हंड्रेड करोड़ मैं बोल रहा हूं व्हेन लोन फंड्स आर एटीन हंड्रेड करोड़ तो इस वक्त मैं बोल रहा हूं कि x इक्वल्स टू मैंने क्या बोला था पहले आप लेना अपना प्रेजेंट इक्विटी फिर यहां से माइनस करना इक्विटी टू बी मेंटेन्ड इक्विटी टू बी मेंटेन्ड और माइनस करना सीआरआर के लिए टेन एक्स डिवाइडेड बाई करना है बाईबैक प्राइस पर शेड बाईबैक प्राइस पर शेड घबराना नहीं है अब समझो आगे x इज इक्वल टू मेरा प्रेजेंट इक्विटी कितना है सेवन फिफ्टी है नहीं नहीं मेरा प्रेजेंट इक्विटी हा प्रेजेंट इक्विटी तो सेवन फिफ्टी है ना अब इधर देखो ध्यान सेवन फिफ्टी करोड़ <coughs> माइनस इक्विटी मेंटेन कितना करना है मेंटेन नौ सौ करना है माइनस टेन एक्स बाई बाई बैक प्राइस थर्टी अब दिक्कत क्या है मुन्ना ध्यान समझो मेरे पास है इक्विटी साढ़े सात सौ किंतु रखना है नौ तो लॉजिकली सोचो क्या मैं कुछ भी रुपया निकाल के बाई बैक कर सकता हूं एज पर दिस सिचुएशन यहीं पर क्लैरिटी मिल जा रहा है यहीं पर क्लैरिटी मिल जा रहा है कि भाई साढ़े सात सौ है आज मेरे पास इक्विटी किंतु रखना है नौ सौ रुपया तो मेरे पास तो पहले ही कम है तो क्या निकाल के मैं बाईबैक में यूज कर पाऊंगा नहीं नेगेटिव में आंसर आ जाएगा मेरा बात समझो अब नेगेटिव में तो नहीं कर सकते तो सीधा बात मैं बोलूंगा एक्स इक्वल्स टू नील रीजन क्या है डाइल्यूशन इक्विटी डाइल्यूशन नॉट पॉसिबल इक्विटी डाइल्यूशन नॉट पॉसिबल है इतना इंग्लिश लिख दिए अरे इक्विटी को हम कम नहीं कर पाएंगे और कम करने को बोलता है डाइल्यूशन तो वही बोले इक्विटी डाइल्यूशन नॉट पॉसिबल कि भैया है ही सात सौ रखना नौ सौ है तो कहां से निकाले पैसा निकाल ही नहीं सकते तो अगर यहां निकाल ही नहीं सकते तो नंबर ऑफ शेयर कितना कर सकते हो जीरो समझ रहे हैं ना कि भैया मेरे पास है ही सात सौ रुपया बोलता है नौ सौ रुपया हटा के रखो और सिया के, के रखो तो मैं, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं औकात में रहो है ही नहीं तो कहां से होगा है ही नहीं तो कहां से होगा है ही नहीं तो कहां से होगा भैया वही तो बात है आ, मजा आया मजा आया हर बड़ा ना एक एक करके अगला वाला केस है लोन फंड्स ट्वेल्व हंड्रेड करो मैंने कहा व्हेन लोन फंड्स आर ट्वेल्व हंड्रेड करो ऊपर वाला एक सॉल्व करने से माइनस में आ रहा है वही तो मैं समझा रहा हूँ माइनस में नया इशू थोड़ी ना करेंगे बाईब नहीं कर पाएंगे तो चार्ट बना रहा था तो पहला कंडीशन में पहला में डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से कितना बाईबैक हो सकता है जीरो नील जीरो नील 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 हम्मक्स्ट भैया आगे देखो भैया नेक्स्ट हाँ तो मैं कर रहा हूं वेन नोन ट्वेल्व हंड्रेड करो तो यही यही इक्वेशन बैठेंगे इक्वेशन में बाद बाद नहीं लिख रहा हूं एक्स इक्वल्स टू मेरा प्रेजेंट इक्विटी सेवन फिफ्टी करोड़ इक्विटी टू बी मेंटेन छह सो बोल रहा है तो इक्विटी टू बी मेंटेन छ सो करोड़ तो क्या पैसा बचेगा क्या हाँ हाँ बस यहीं से पता चल जाएगा सेवन फिफ्टी माइनस सिक्स हंड्रेड हाँ बच रहा है किंतु तो भैया आप टेन एक्स उठा के रख लो किसके लिए सीआरआर के लिए डिवाइड बाई बाई बैक प्राइस थर्टी रुपीस, थर्टी रुपीस, ऊपर वाला ये सब फिगर करोड़ में है, करोड़ में खेल रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना तो अगर इसको सॉल्व करने का कोशिश करें तो मैं माइनस टेन एक्स अब डिवाइडेड बाई क्या था क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मैं बोलूंगा थर्टी एक्स इक्वल्स टू वन फिफ्टी करोड़ माइनस टेन एक्स थोड़ा इधर ले आओ थर्टी एक्स प्लस टेन एक्स क्वल टू वन फिफ्टी करोड़ तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्टी एक्स इक्वल्स टू वन फिफ्टी करोड़ तो x इज इक्वल टू वन फिफ्टी करोड़ डिवाइडेड बाई फोर्टी तो x इज इक्वल टू वन फिफ्टी करोड़ डिवाइडेड बाई फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ यानी कंडीशन थ्री के हिसाब से जो दूसरा सिचुएशन है ना उसमें मैं थ्री पॉइंट फाइव करोड़ शेयर बाय कर सकता हूं पहला वाला मैं तो कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि डायलूशन ही नहीं हो सकता है का मतलब कि भैया मेरे पास है ही साढ़े सात सौ करोड़ रुपया है मुझे रखना नौ सौ करोड़ है तो मैं और कम नहीं कर सकता डायलूशन मतलब कम नहीं कर सकता किंतु यहां पर है 750, रखना छह सौ करोड़ और थोड़ा सा सिया का पैसा तो डायलूशन तो हो ही रहा है तो पॉसिबल हुआ है कि भैया पैसा निकाल सकते हैं घर से तो उसके बेसिस में थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ शेयर बाय बैक हो सकता है समझ गया तो मैं यहां आके लिख दूंगा यहां आके लिख दूंगा कहां के मेरा चार्ट कहां गया देखो तो इसमें 3.75 करोड़ शेयर बाई बैक हो सकता है बोलो ना है बहुत आसान सर बोला तो ये वाला सम कर लोगे उसके बाद तो और सब तो एकदम मक्खन जैसे निकलेगा फिर फिर ज्यादा चाप ही नहीं लगेगा अच्छा भैया ठीक है ठीक है सर ठीक है सर मैं मान लिया आपका बात आगे बताओ आगे बता रहा हूं ना सुनो ना हम्म बताओ भैया मैं अरे मैं यहां सम में था मैं इधर कहा गया और तीसरा वाला में लोन फंड पंद्रह सौ है अच्छा एक चीज सोचो ना दिखाने से पहले मैं यहां बोल देता हूं पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तो मेरे पास आज प्रेजेंट इक्विटी है सेवन फिफ्टी रखना भी सेवन फिफ्टी है तो कोई डायल्यूशन पॉसिबल है क्या मतलब कुछ पैसा निकाल के किसी को देना पॉसिबल है नहीं भैया है भी सेवन फिफ्टी चाहिए भी वन सेवन एक्स्ट्रा है ही नहीं तो बाई में पैसा देंगे कहां से नहीं दे पाएंगे इसका भी जीरो आएगा मैं लिख देता हूँ लिखना तो पड़ेगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना लिखो वेन लोन आर हंड्रेड करोड़ मैं एक बार फॉर्मेट में बैठा देता हूं कि x इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी सेवन फिफ्टी करोड़ माइनस इक्विटी टू बी में डिवाइड बाई बाई प्राइस पर शेयर थर्टी और मैं यहां पर भी लिख रहा हूं एक्स जीरो हो जाएगा जीरो 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 कर लो रीजन क्या कैसिन्स डायल्यूशन नॉट पॉसिबल इक्विटी डायल्यूशन नॉट पॉसिबल है ही 750 750 और मेंटेन भी 750 करना है तो कोई एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं जो निकाल के मैं बाईबैक में डाल सकूं बाईबैक के लिए दे सकूं तो भैया बाईब कितना होगा जीरो हो सकता है यहां पर तो तीसरा सिचुएशन में भी जीरो हो गया सर समझो बात में तो मैं गया ऊपर लिखने के लिए तो तीसरा सिचुएशन में भी बाईब कितना हो सकता है जीरो नील 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 अब मुझे निकालना मैक्सिमम पहला वाला देखो अगर लोन 1800 है तो लोअर कौन सा है? तीनों में अरे नालायक मत बोल देना .25, .25, मतलब जीरो सबसे छोटा बिगड़ो है ना हाँ तो यहां पर भैया सीधा सीधा बात है पहला सिचुएशन में बाईबैक करना पॉसिबल है ही नहीं मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक जीरो है जीरो सर देखो जीरो हाँ मैं यहां बाईबैक कर ही नहीं सकता दूसरा में लिस्ट फिगर देखो 3.75 करोड़ शेयर आ रहा है तो यहां मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक कितना है 3.75 करोड़ एंड लास्ट वाला में भी देखो सबसे कम जीरो आ रहा है इसमें भी बाईबैक नहीं हो सकता तो तीन जो सिचुएशन दिया उसमें सिर्फ सिचुएशन टू में बाईबैक हो सकता है और किस में बाईबैक है ही नहीं तो मैं बोल सकता हूं एक नोट यहां लिख सकता हूं ओनली वेन लोन फंड्स आर ट्वेल्व हंड्रेड करोड़ देन Shares can be bought back. Then shares can be bought back. Bolo, 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 bolo. और कभी बाई बैक पे ही नहीं सकता और कितना बाई बैक हुआ? और फिर क्वेश्चन में बोला था जर्नल एंट्री करने के लिए सोचो ये नहीं तो मुझे इसका इंट्री दिखाना है। बाई बैक करके दिखाना है तो इसका मैं के लिए आगे चला। और तुमको है जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आदत है मैं पहले चेक करता हूं अमाउंट रिक्वायर्ड एंड सोर्स अमाउंट रिक्वायर्ड एन सोर्स अमाउंट रिक्वायर्ड एनसोर्स और मैंने लिखा पहले फॉर बाईबैक भाई जी थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ शेयर बाईबैक बाई बाई होगा और एक एक शेयर का फेस वैल्यू टेन था तो मतलब थर्टी सेवन पॉइंट फाइव करोड़ फेस वैल्यू इक्विटी शेयर बाय बैक होगा एंड यहां पर लिखते हैं फॉर पॉप प्रीमियम ऑन बाई बैक प्रीमियम ऑन बाईब थ्री करोड़ शेयर है याद करो बाई बैक प्राइस थर्टी है अगर फेस वैल्यू दस है तो बीस रुपए प्रीमियम है एक एक शेयर में प्रीमियम बीस रुपए है तो 3.75 करोड़ इंटू बीस रुपए किया तो 75 करोड़ सोर्स कोई न्यू इश्यू तो है ही नहीं पूरे समय में बोलेगा भी नहीं डोंट वरी जब भी मैक्सिमम परमिशन बाईब होगा ना न्यू इशू नहीं बोलेगा डोंट वरी अब मैं बोल रहा हूं तो सीआरआर बनाना पड़ेगा तो सीआरआर के लिए पहला ऑप्शन होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम तो अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पर देखते हैं अपने Securities Premium में कितना रुपया था 90 करोड़ पर मुझे 90 नहीं चाहिए मुझे तो 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 सिर्फ चाहिए मेरा काम हो जाएगा अब में में से गया तो Securities Premium में अभी भी बचा हुआ है तो मैं पॉब राइट करने के लिए पहले प्रीमियम खत्म कर लो ना क्यों तो दूसरा चीज में हाथ लगाना जब तक खत्म नहीं हो रहा है हो गया अब तुम नेक्स्ट ऑप्शन जी आर में चले जाओ अभी और कितना कितना चाहिए और ट्वेंटी टू पॉइंट फाइवलिज्म दो सौ चालीस करोड़ है तेरी आदमी समझ रहे हैं ये करने से करोड़ राइट ऑफ का मिल गया तो सेवनटी फाइव करोड़ पॉप राइट ऑफ होगा हाँ कहां से थोड़ा सा एसपी थोड़ा सा जिया 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 थोड़ा सा एस पे थोड़ा सा जी आर मजे में भैया मजे में बोलो ठीक है हो गया थोड़ा सा एसपी थोड़ा सा जी अब एंट्रीज कर लो यार एंट्रीज में तो अब आप चैंपियन हो नंबर वन ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल था 37.5, पॉप था 75, 37.5 37 प्लस वन वन टू पॉइंट फाइव और यहां पर नरेशन लिखेंगे बिंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन बाई बैक बिंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन बाई बैक उसके बाद क्या करेंगे बच्चे या उसके बाद अपने लोग न्यू इश्यू की एंट्री करते हैं पर न्यू इशू तो है नहीं सीआरआर हा नेक्स्ट सीआरआर होगा एसपी से बना रहे तो नेक्स्ट एंट्री बनेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेमशन रिजर्व और ये था 37.5 सेवन पॉइंट का बिंग सी क्रिएटेड बिंग सीआरआर क्रिएटेड बिंग सीआरआर क्रिएटेड भैया फिर भैया फिर पॉप को राइट ऑफ करेंगे पॉप एसपी और जीआर से हाँ तो राइट ऑफ कर लेंगे मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाई बैक सिक्योरिटीज प्रीमियम हम यूज कर रहे हैं फिफ्टी टू पॉइंट फाइव फिफ्टी टू पॉइंट फाइव जनरल रिजर्व हम यूज करेंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव हाँ 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 टोटल मिला के सेवेंटी फाइव लिखा बींग प्रीमियम ऑन बाई बैक रिटर्न ऑफ बींग प्रीमियम ऑन बाई बैक रिटर्न ऑफ और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है कितना देना था हंड्रेड एंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव पेमेंट करके ना कि करूं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक ये था हंड्रेड एंड अच्छा ये बैंक है बानू नहीं है मेरा के थोड़ा ऐसा घूम जाता है 112.5 एंड बिंग ड्यू अमाउंट पेड बिंग ड्यू अमाउंट पेड बिंग ड्यू अमाउंट पेड बिंग ड्यू अमाउंट पेड बोलो कैसा लगा अच्छा लगा कैसा लगा अच्छा लगा नेक्स्ट कैसा लगा यहां तक ठीक है ना ये खत्म हो गया सम इसमें यही तो बोला था ये बोला तो जर्नल इंट्री बोला था हो गया आ जो एक बार हैं सम, है, सम नंबर फोर सम नंबर फोर फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसेज कंपिटेंट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी अब बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड में फिक्स एसेट करेंट एसेट सब दिया हुआ है इक्विटी शेयर ऑफ टेन इंच लाख लाख है सो ना अगर रुपीज का शेयर है एक एक शेयर दस रुपया करके है मैं बोलू मेरे पास वन लाख ट्वेंटी फाइव था। थाउजेंड था। था। इक्विटी शेयर नंबर रेवेन्यू रिजर्व ये फ्री रिजर्व है सिक्योरिटीज पे हम फ्री सिक्योरिटी पी एल फ्री रिजर्व है सिक्योर्ड लोन में डिबेंचर है डेट है मेरा अनसिक्योर्ड लोन ये भी डेट है सिक्योर एंड दोनों आना चाहिए और ये क्या लिखा है करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ठीक अरे ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है इसका करंट मैच्योरिटीज है मतलब मान लो मैंने कोई लोन लिया है दस साल के लिए तो कौन सा लोन है ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है किंतु तो धीरे धीरे टाइम बीतेगा अब वो लोन जो अगले बारह महीना में रिपे करना है ना उसको बोलते करेंट मैच्योरिटीज मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि है तो ये लॉन्ग टर्म लोन ही किंतु क्या है ना ये अगला बारह महीना में पे हो जाएगा तो उतना नौटंकी क्या करना है तो लोन तो तुम अगर डेप्ट बोलेगा तो तीनों ही आ जाएगा तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ गया मतलब है लॉन्ग टर्म बोरिंग किंतु करंट मैच्योरिटीज है मतलब अगले बारह महीना में इस लोन का रिपेमेंट हो जाना है हो जाना है भैया अच्छा और क्या दिया आगे पढ़े देखियो आगे आगे क्या दिया द कंपनी वॉन्ट्स टू बाई बैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर करना चाहता है पच्चीस हजार शेयर बाई बैक करना चाहता है एक एक शेयर का फेस वैल्यू दस रुपया और बाई बैक प्राइस बीस रुपया दस का शेयर बीस में बाई बैक मतलब तो दस रुपया प्रीमियम में बाईबैक होगा बोलो हा आगे

बोलेंगे कि करंट एसेट के अंदर बैंक बैलेंस घुसा हुआ है बहुत पैसा है आराम से बायबैक हो जाएगा बोले ठीक है बोलता है क्वेश्चन है कमेंट विथ योर कैलकुलेशन वेदर बायबैक ऑफ शेयर बाय कंपनी इज विद इन प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 तो बोलता है हम लोग जो 25000 बायबैक करना चाहते हैं चेक करके बताओ क्या ये कंपनीज एक्ट के तहत लिमिट के अंदर है क्या मतलब

बोला ठीक है दिखा देंगे कौन सा बड़ा बात है है ना चलो चलो फिर शुरू करो सम खत्म करें जल्दी से जल्दी से जल्दी से ये कौन सा सम है अब डांस कम करो सम नंबर बताओ सम नंबर फोर है सम नंबर फोर कौन सा सम नंबर फोर इसमें सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक देखना है तो चलो हम लोग मैक्सिमम परमिसेबल बाई ही चेक करते हैं सबसे पहले देखो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक पहले तो मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक ही चेक करना है अब मैं बोल रहा हूं इस बार एक ही कॉलम बना लो क्योंकि इस बार तो अलग अलग केसेस नहीं है क्या लोन इतना लोन इतना लोन इतना, लोन इतना ये वो तो अलग अलग केसेस नहीं है एक ही केस है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा वही शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट साथ साथ लिख रहे हो ना पता चला सिर्फ बैठ के देख रहे तो काम नहीं बनेगा लिखना पड़ेगा नंबर टू रिसोर्स टेस्ट कॉपी पेन लिख के लिखो इफेक्टिवनेस समझ में आएगा रिटेंशन ज्यादा रहेगा याद रहेगा नहीं तो बोलेगा याद ही नहीं रह रहे है। क्या बोल रहा रहे आदमी ऐसे लगेगा लिख के देखो मेरे साथ साथ और तीसरा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट और फिर मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक आएगा और मैक्सिमम परमिशिबल जो बाईबैक होगा इट विल बी लिस्ट ऑफ पॉइंट नंबर ए बी एन सी तीनों में से लिस्ट आएगा यह चार्ट बना के पांच लाइन का जगह छोड़ दो क्यों वो लोग पूछा था ना कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर बाई बैक होगा कि नहीं होगा वो लिख के समझाना पड़ेगा ना हम्म अब चलेंगे अपने लोग कंडीशन नंबर वन या वर्किंग नोट वन शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के लिए तो मैं वर्किंग नोट वन में चला गया चेक करने अपना शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोलता है कि मैक्सिमम परमिसेबल बाई कितना है मैक्सिमम परमिसेबल बाई है प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट तो पहले चेक करना है कि नंबर ऑफ शेयर कितना है वो तो वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर है वो तो हमने बात कर लिया था वन शेयर चेक कर लो आप इसका कितना परसेंट ट्वेंटी नंबर ऑफ शेयर अगर बात करें तेरी वन लाख ट्वेंटी फाइव इंटू पच्चीस परसेंट थर्टी वन टू फिफ्टी शेयर तो पहले कंडीशन के हिसाब से हम लोग थर्टी वन टू फिफ्टी शेयर बाई बैक कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देख लो लिख रहे हो जल्दी लिखो टाइम और चाहिए पॉज कर लो लिख लो सबसे बढ़िया थ्री वन टू फाइव जीरो दूसरा है मुन्ना रिसोर्स टेस्ट कौन सा टेस्ट रिसोर्स टेस्ट तो मैं गया अगला देखने के लिए रिसोर्स टेस्ट वर्किंग नोट टू रिसोर्स टेस्ट रिसोर्स टेस्ट रिसोर्स टेस्ट नंबर वन रिसोर्स टेस्ट के लिए मैक्सिमम परमिशेबल बाईबैक वो लोग क्या बोला था कि आपको लेना पड़ेगा पहले अप कैपिटल पेड अप कैपिटल के साथ जोड़ना है फ्री रिजर्व आप चाहो तो फ्री रिजर्व भी लिखते हैं पेड अप कैपिटल के साथ क्या जोड़ना है फ्री रिजर्व ये जो आ रहा है बेसिकली प्रेजेंट इक्विटी होता है अब इसका 25 परसेंट बाई में यूज कर सकते हैं पर नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इसको डिवाइड करना चाहिए हमें बाई प्राइस पर शेयर बस दोस्त बस इतना दो लिखो अब अब याद हो जाएगा देखो दूसरी बार लिख रहे हो थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा पहली बार से दूसरी बार जब लिख रहे हो पहली बार से थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा आप कुछ भी बोलो यार कंफर्टेबल तो लगेगा अब यह लग रहा है अब पेड अप कैपिटल देखो मेरा पेड अप कैपिटल कितना है मेरा पेड अप कैपिटल कितना है ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड तो मैंने ले लिया पहले आपके लिए ट्वेल्व लाख फिफ्टी पेड अप कैपिटल फ्रीजा में एस पी जी आर पी लगेगा पहले एसपी खोजते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम ढाई लाख का मैंने खोजा और लिख दिया ढाई लाख एस फिर जनरल रिजर्व लेते हैं है है ना रेवेन्यू रिजर्व वही बात जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व एक ही चीज है मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था तो ट्वेल्व फिफ्टी जी पीएल है हा है एक लाख पच्चीस हजार तो एक लाख पच्चीस हजार ये भी ले लिया बोलता ये जो है ना ये इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट आप बाईब में यूज कर सकते और डिवाइड किससे करना बाई बैक है बाईब प्राइस पर शे और हमारा बाईबैक प्राइस पर शेयर अभी कितना था समय मैंने पढ़ा था मैं दिखाता हूँ ट्वेंटी रुपीज था, था देखो ट्वेंटी पर शेयर बाई बैक प्राइस मैं डिवाइड बाई ट्वेंटी लिख दिया मैं आपके लिए स्टेप बाई स्टेप लिखता हूँ जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो ट्वेल्व फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी प्लस ट्वेल्व फिफ्टी प्लस वन ट्वेंटी फाइव ये टोटल ऊपर मारा ट्वेंटी एट सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसका पच्चीस परसेंट देख लीजिए डिवाइडेड बाई बीस रुपया इसका पच्चीस परसेंट करने से आ गया पच्चीस परसेंट डिवाइड बाई बी मैंने वो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव आ रहा था अब आधा शेयर बाई बैक तो नहीं होगा बोल तेरा शेयर शेर ला। के दे दिया बोला आधा ही बाईब करेगी आधा तो नहीं होगा तो राउंड ऑफ कर दिया नंबर तो एज पर कंडीशन नंबर टू रिसोर्स टेस्ट थर्टी फाइव नाइन थर्टी एट शेयर बाई बैक कर सकते हैं तो यहां पर आके मैं लिखूंगा थर्टी फाइव नाइन थर्टी एट शेयर बाई बैक हो सकता है थर्टी फाइव नाइन थर्टी एट शेयर बाई बैक हो सकता है अब लास्ट कंडीशन कंडीशन थ्री डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट करना है तो वर्किंग नोट नंबर थ्री और ये है अपना डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट तो मैं क्या बोल रहा हूं डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन कितना करना है डेट इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड टू वाइस तो आपका जो इक्विटी टू बी मेंटेन है इक्विटी टू बी मेंटेन कितना मेंटेन करना है सो दैट विल बी डेप्ड बाई टू डेट का आधा तो अपना डेट कितना था उसका आधा करना पड़ेगा तो डेट कितना है सर डेट 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 में भैया तीन चीज है मैंने यहां दिखाया था डिबेंचर 1875 है प्लस तुम्हारा 10 लाख का अनसिक्योर्ड लोन है प्लस तुम्हारा 1650 करंट करेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है सब मिला जुला के कितना होता है 1875 प्लस 10 लाख प्लस 1650 4525 ये आ रहा है 45 लाख 25 डेट डिवाइडेड बाय टू करना है इसको तो ये आ रहा है 2262500 दिस इज इक्विटी टू बी मेंटेन फिर आप देखो प्रेजेंट इक्विटी कितना है प्रेजेंट इक्विटी कितना है और मैं एक बताऊं शॉर्टकट तरीका यहीं से देख लिया करो यही तो प्रेजेंट इक्विटी अंदर वाला माल ये अंदर वाला माल का टोटल कितना है 2875 यही प्रेजेंट इक्विटी सोचो अप प्लस फ्री रिजर्व ऊपर में वही तो लिखा हुआ है मैं वही बोल रहा हूं कि आगे से इतना कैलकुलेट नहीं करना है ट्वेंटी फाइव तो अभी ट्वेंटी मेंटेन, मेंटेन का स्पेलिंग भी गलत लिखे देखो मेंटेन करना है ट्वेंटी टू सिक्स डायलूशन हो सकता है कम किया जा सकता है ठीक है तो भैया हम बस इतना ही लिखना चाहेंगे फॉर्मूला पहले x इक्वल्स टू आपको पहले लेना चाहिए प्रेजेंट इक्विटी इससे माइनस करना चाहिए इक्विटी टू बी मेंटेड इक्विटी टू बी मेंटेड फिर माइनस सीआरआर के लिए टेन एक्स रख लो डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस पर शे डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस पर शे तो मैं बोल रहा हूं x इक्वल्स टू प्रेजेंट इक्विटी है 2875 इक्विटी टू बी में ट्वेंटी टू सिक्स हंड्रेड माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई बाई बु हैव टू सॉल्व फॉर एक्स निकाल निकालो कौन बना क्या निकालो भैया हम करें हां भाई 20x एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टू यार है छह लाख बारह हजार पांच सौ माइनस टेन एक्स तो ट्वेंटी एक्स प्लस टेन एक्स इधर आ जाएगा इक्वल्स टू सौ यानी थर्टी एक्स इक्वल्स टू सौ यानी एक्स इक्वल्स टू सौ डिवाइडेड बाई थर्टी तो एक्स इक्वल्स टू सौ यार डिवाइड बाई थर्टी टू जीरो नहीं नहीं कुछ गलत हुआ है कुछ गलत लिखा मैंने यहां पर इक्विटी टू बी मेंटेन फोर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू ट्वेंटी टू सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड हाँ भाई साहब यहां पर एक गलती है भैया आप सॉल्व गलत किए अरे नहीं क्वेश्चन में गलती है मैंने ध्यान नहीं दिया ये जो आपका टोटल है ना बैलेंस शीट का ये टोटल टैली नहीं कर रहा आप टोटल करके देखोगे टैली नहीं कर रहा है इसमें छोटा सा चेंज कर लो सोलह पचास प्लस ढाई लाख होगा उन्नीस लाख होगा ये 16, हो हो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा नहीं तो बैलेंस शीट आपका टैली नहीं कर रहा है अब आप चेक कर लो एक बार ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस टू प्लस वन ट्वेंटी फाइव लाख प्लस नाइन्टीन लाख अब आएगा सेवेंटी सिक्स फिफ्टी हाँ हाँ मैं वही बोला यार कुछ गड़बड़ हो रहा है हाँ तो भैया सुनो ना एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर ये जो डेप्थ है ना ये वाला जो फिगर है ना इसको आप नाइन्टीन लाख कर लीजिए तो जैसी आप नाइनटीन लाख ,00 करोगे तो ये टोटल हो जाएगा एटीन सेवेंटी फाइव प्लस टेन लाख ,00 प्लस नाइन्टीन क्वेश्चन में रॉन्ग था बेटा टाइपिंग में टाइपिस्ट थोड़ा नशे में था तो फोर्टी सेवन सेवेंटी फाइव आ रहा है मेरा बात समझो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है मैं दिखाता हूँ फोर्टी सेवन सेवनटी फाइव है ओ हो इतना गंदा रहेवन सेवनटी फाइव ठीक है मैं बोल रहा हूँ अपना जो डेट है ना डेट यहां पर ये जो हाँ मैं यही बोल रहा हूँ ये वाला मैं रेड से लिख दे रहा हूँ ये फोर्टी सेवन लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड है इसको जब डिवाइड बाई टू करोगे ना तो थोड़ा सा ये वाला फिगर बस चेंज होना है मैं रेड से लिख दे रहा हूं ट्वेंटी थ्री लैख एट्टी सेवन फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लैख एट्टी सेवन फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थ्री एट्टी सेवन फाइव हंड्रेड हो गया सर हम्म हम्म अब इन तीनों में ये वाला जो हो गया यहां जब पुट किए ये वाला ठीक करो इसको 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 करो देखो यहां पर ट्वेंटी थ्री एट्टी सेवन फाइव हंड्रेड अब बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक था उसके लिए कांड हो गया कोई बात नहीं मैं बोल रहा हूं ये है ट्वेंटी एट सेवेंटी माइनस ट्वेंटी थ्री एटी सेवन फाइव हंड्रेड तो भैया ये वाला जो फिगर है ना छह बारह पांच सौ ये चेंज हो जाएगा मतलब ये बन जाएगा यहां अंदर में फोर एटी सेवन फाइव हंड्रेड

दो सो पचास। हाँ भैया हो गया सोलह दो सौ सो पचास फिर अब लेके चले जाओ करके लिख लो अगर नहीं लिखा देखो मैंने सोलह दो सो पचास कर दिया बुक में वो लोन का फिगर चेंज हुआ तो लोन की वजह से जो इफेक्ट है बस मैंने वो रेड से लिख के दिखा दिया अब मैं ये फिगर को लेके जाऊंगा अपने उसमें टू फिफ्टी मैं यहां ले गया मुन्ना सिक्सटीन टू फिफ्टी इन तीनों में लिस्ट सबसे कम कौन सा है भैया तीनों में लिस्ट तो सिक्सटीन टू फिफ्टी है ये तो मैक्सिमम परमिसेबल बाई बैक कितना है सिक्सटीन टू फिफ्टी बात समझ में आ गया अब इसके बाद मुन्ना ध्यान से समझो तुमसे क्वेश्चन बोला था कि ये लोग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर बाई बैक करना चाहता है क्या कर सकता है आंसर इज नो क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है सिक्सटीन टू फिफ्टी तो क्या ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर बाईबैक होगा नहीं भैया नहीं हो पाएगा तो यहां पर लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा सिंस सिंस मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक इज सिक्सटीन टू फिफ्टी बट कंपनी Wants to buy back 25,000 shares. Hence, hence, but the company wants to buy back 25,000 shares. Hence, company cannot buy back 25,000 shares. पच्चीस हजार बाई बैक नहीं होगा मैक्सिमम सोलह दो सौ बीस हो सकता उससे ज्यादा नहीं हो सकता अब फिर क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन एक और पूछा था मेरा बात समझना क्वेश्चन एक और बोला था बोला इफ यस पास जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट तो आंसर तो नो है तो मुझे ना जर्नल एंट्री दिखाना है ना बैलेंस शीट दिखाना है अगर ये लोग बोल देता मैक्सिमम परमिशन बाई एंट्री दिखाओ दिखा लेना हाँ तुम अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकता है जो मैक्सिमम परमिसेबल बाई बैक उसका जर्नल एंट्री बना के देख लेना प्रैक्टिस के लिए पर इस समय और कुछ नहीं करते समझ रहे हो समझ रहे हो तो आज इतने ही रखते हैं बस एक क्लास और लगेगा इस चैप्टर को फिनिश करने में तो अगले क्लास के अंदर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं आज के लिए इतना ही अगले दिन फिर मिलेंगे थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट स्टूडेंट्स और हाँ अगला क्लास करने से पहले यहां तक जितना सिखाया पूरा रिवाइज कर लेना पूरा